बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहले चरण से पहले वो कुछ नहीं होता जो दूसरे चरण से पहले करना पड़ता है। राजनीति मंगल कामनाओं का खेल नहीं है, हो सके तो नैरेटिव में मंगल सूत्र का इस्तेमाल कर लेने का जरूर है। ऐसी कौन से संसाधन थे, ऐसी कौन सी संपत्ति थी जो किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को दान दे दी गई या उनके नाम कर दी गई? प्रधानमंत्री जब पहली बार धर्म को खींचकर नैरेटिव में लाए, वो राजस्थान में दो जगहों पर, मांसवाड़ा और टोंक में जी। कारण स्पष्ट था कि राजस्थान में टिकट बंटवारे और वहाँ की परिस्थितियाँ और स्थानीय जाति समीकरण के चलते ऐसी हवा चल पड़ी कि बीजेपी के 25 के 25 तो नहीं आ रहे हैं। जनता होती है, वो कहते हैं ना माई बाप होती है, वो किसी भी तरफ चुनाव घुमा सकती है। कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदें थी, जो बिल्कुल इनके ऊपर पानी फिर गया था, वो थोड़ी सी जागी है, थोड़ा सा जोश आया है। पुरानी कहावत है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार को ये लगता है कि अब कुछ करो ना करो, मोदी जी है, मोदी जी जिता देंगे। 400 पार वाला जो नारा है उसे बस्ते में रख दिया गया है, अब वो बाहर नहीं निकलेगा, उसका काम हो चुका है। कांग्रेस जो है, जो मैंने देखा है ग्राउंड पे, एक बहुत लोकल चुनाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये माइंड में है कि वो मोदी की तुलना नहीं कर सकते। आनंद आपका खत्म होने वाला नहीं है, अभी तो आपने सैम पित्रोदा देखा है, कांग्रेस ने अभी मणिशंकर अय्यर नहीं निकाला है। नमस्ते। राजनीति मंगल कामनाओं का खेल नहीं है। राजनीति में आरोप लगाए जाते हैं, धज्जियां उड़ाई जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पर विपक्षियों को बदनाम भी किया जाता है। भाषा की शुचिता और विनम्रता के विमर्श अच्छे हैं, लेकिन ज़माना ख़राब है। चुनाव अब रूथलेस प्रैग्मेटिज्म यानी क्रूर व्यावहारिकता के साथ लड़े जाते हैं, और ऐसी क्रूरता भाषा को थोड़ा ख़राब तो करती ही है, पर दोनों स्पर्धियों के लिए यह युद्ध है जिसकी तैयारी वे 5 साल करते हैं। इसीलिए अस्त्रागार की ओर बढ़ते सैनिक उतने निर्दयी नहीं दिखते, उनके चेहरे इतने निर्दयी नहीं दिखते जितने गोलीबारी करते हुए वो दिखते हैं। पहले चरण से पहले वो कुछ नहीं होता जो दूसरे चरण से पहले करना पड़ता है। राजनीति मंगल कामनाओं का खेल नहीं है, हो सके तो नैरेटिव में मंगल सूत्र का इस्तेमाल कर लेने का ज़रूर है। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप और ये है लल्लन टॉप का राजनीतिक खबरों का साप्ताहिक कार्यक्रम नेता नगरी। तो नेता नगरी के पहले सत्र में हम लोग बात करेंगे नैरेटिव का जो वॉर है, नैरेटिव की जो लड़ाई है उस पर, और पहले चरण के बाद जो खबरें छन के आई हैं, जो चीज़ें निकल के आई हैं, उसने किस तरह से नैरेटिव को प्रभावित किया है उस पर। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं आज, हिमांशु मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के, आदेश रावल हैं, नेता नगरी में आप उन्हें देखते रहते हैं, लोकमत के साथ पत्रकार हैं, कमलेश किशोर सिंह हैं, इंडिया टुडे ग्रुप डिजिटल के न्यूज़ डायरेक्टर, और निधि शर्मा हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के साथ आप काम करती हैं, अभी राजस्थान से घूम करके आई हैं, आपकी किताब भी आई है शी द लीडर नाम से। निधि जी, शुरुआत आप ही से, स्वागत आपका। चुनाव थोड़े से नीरस हो गए थे ऐसा लग रहा था, मैं विदेशी मीडिया के हेडलाइंस का जिक्र अभी शूट से पहले कर रहा था, जिन्होंने ये हेडलाइंस दी कि इस तरह के चुनाव भारत में हो रहे हैं जिसमें सबको मालूम है कि कौन जीतने जा रहा है। पहले चरण के बाद जिस तरह का नैरेटिव बना है, प्रधानमंत्री का बयान आया रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वाला, धार्मिक संदर्भ वाला, फिर कुछ कांग्रेस की ओर से बयान आए जिसको बीजेपी ने बीजेपी उसको ले उड़ी और किसी और कॉन्टेक्स्ट में जनता के सामने रखने की कोशिश की, या थोड़ा एग्जैजरेटेड रूप में जनता के सामने कोशिश की। अभी जो नैरेटिव वॉर है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से, चूंकि हर व्यक्ति एक सपना या डर या आशंका या वादे बेच रहा है, किसका नैरेटिव आपको लग रहा है ग्राउंड पर हावी है, किसका नैरेटिव ऐसा है जिसको जनता ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मान सकती है, ज़्यादा इफेक्टिव समझ सकती है? देखिए, जैसे कहते हैं ना, यू नेवर से नेवर, वो इस तरह की एक पॉलिटिक्स में ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये चुनाव एक तरफा है। तो जैसे जनता होती है, वो कहते हैं ना माई बाप होती है, वो किसी भी तरफ चुनाव घुमा सकती है। हमारे अगर आप इमरजेंसी के बाद वाले चुनाव देखें, कितनी पॉपुलर लीडर थी इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर से कमबैक हुआ जनता पार्टी रूल के बाद। तो नेवर से नेवर एक कहावत है जो हमेशा एज पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हमेशा हम लोग माइंड में रखते हैं कि कहीं पे भी जनता जिसको सर पे बिठाती है वो नीचे भी उतार सकती है, उसको और बड़ा मैंडेट दे भी सकती है। तो ये रहता है।
किसका हावी है, कौन किस पे हावी है, वो सिर्फ मुझे लगता है एक वोटर टर्नआउट पे हमें नहीं जाना चाहिए। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो एक लो वोटर टर्नआउट ये बोलता है कि जो वोटर है वो बहुत खुश है प्रेजेंटली सरकार से, तो वो बाहर नहीं आया है। और अगर वोटर को ये लगता है कि वो मतलब बाहर नहीं आया है, तो ठीक है, वही जो हमारी जो सरकार है वही जीत के वापस आएगी। और कई बार ऐसे भी होता है कि वोटर बोलता है ये सरकार तो जीत ही रही है तो मुझे आने की क्या जरूरत है बाहर, तो ये ट्रेडिशनली देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए कि जब बहुत ज्यादा बाहर भर भर के जनता बाहर आती है, तो बोलते हैं देखिए ये कितना अच्छा हुआ कि जनता ने इसी सरकार को आगे वोट दिया। तो वोटर टर्नआउट के ऊपर जाकर सिर्फ उतने पे ही सोचना थोड़ा सा संकीर्ण सोच होती है मेरे हिसाब से। तो किसका वोटर बाहर आया है ये देखना और ये जानना, वो शायद मेरे ख्याल से जून 4 को ही हमें पता चलेगा। किसका नैरेटिव भारी है, आई थिंक कि जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में भी पूरी तरह से वर्कर्स को बोला आप आइए बाहर आइए और लोगों को बाहर निकाल निकाल के वोटर्स आइए, ये दिखाता है कि कितने सजे हुए पॉलिटिशियन हैं। कि जैसे मैंने कहा यू नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स, ये पूरा किसका नैरेटिव हावी होगा या नहीं होगा वो बाद में ही पता चलेगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल निश्चिंत हो कि किसी भी पॉलिटिशियन को घर में बैठ जाना कि हाँ ठीक है हमारी सरकार आएगी, या ऑपोजिशन को ये सोचना कि बस ये गेम गया हाथ से, वो बड़ा वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है आदेश रावल, अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी सुबह भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो उसी बात को दोहरा रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री ने कोट भी किया था कि पुअर मुस्लिम्स का संसाधनों पर पहला हक है। प्रधानमंत्री का बयान भी आया, धार्मिक संदर्भ वाला मंगलसूत्र वाला भी बयान है। 4% पर निधि जी कह रही हैं कि वोटिंग अगर कम हुई है तो उससे बहुत निष्कर्ष नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन जो ये एग्रेसिव कैंपेन हुआ है पहले फेज के बाद से, इसे किस तरह से देखा जाए? क्योंकि क्या तेज बल्लेबाज जब तेज बल्लेबाजी शुरू करता है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं कि एक तो पावर प्ले में रन रेट अच्छा नहीं रहा और दूसरा कि इतना बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश है कि सामने वाला बहुत दबाव में आ जाए। जब टिकटें बटनी शुरू हुई थी तो कांग्रेस पार्टी, उनके अलाइज, उनके नेता, किसी में भी कोई जोश नहीं था। सब में एक ये था कि इस बार तो मोदी जी वापस तीसरी बार आई जाएंगे। लेकिन पिछले एक महीने से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के कैंपेन में भी, उनकी स्ट्रैटेजी में भी, उन सब में काफी बदलाव आया है। अब आपने बात की डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान की जो 2006 का बयान है जिसको पीएम ने कोट किया अपनी रैलीज में और जिसको लेके चर्चा हो रही है। दरअसल चिदंबरम साहब ने एक डिटेल उसके ऊपर ट्वीट्स की और स्टेटमेंट भी दिए कि 2006 के बाद से 8 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम रहे, कभी भी कोई ऐसी घटना मुझे याद नहीं आती। क्योंकि कांग्रेस के नेता इसको इंटरनली बैठ के कोट कर रहे हैं कि कोई ये बता सकता है कि ऐसी कौन से संसाधन थे, ऐसी कौन सी संपत्ति थी जो किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को दान दे दी गई या उनके नाम कर दी गई, ऐसा कोई इंसिडेंट को याद नहीं आता। और फिर बात हुई मंगलसूत्र की। मंगलसूत्र में प्रियंका गांधी ने अपनी माँ का हवाला देकर एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी माँ का जो मंगलसूत्र है वो इस देश पर मतलब गिरवी है, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने देखा कि नैरेटिव चेंज करने की कोशिश हुई है। और जब पहले फेज के बाद ये डाटा सामने आया कि 4% 5% का पोल कम हुआ, जनरली ऐसा होता है कि जब सरकार बदली जाती है तो वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ घट रहा है तो सरकार के हित में होगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब भी रहे हैं। तो दोनों तरफ से आक्रामक चल रहा है फिलहाल। और मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो कि एक महीने पहले तक बिल्कुल उसको कोई उम्मीद नहीं थी, इस बार वो थोड़ा सा एग्रेसिव होके प्रचार कर रही है। आप देखिए 3 स्टार प्रचारक हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास, जो बड़े, मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, इसमें एक स्टेट में मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं, एक स्टेट में राहुल गांधी जाते हैं, एक में प्रियंका गांधी जाती है, और चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो सचिन पायलट है, फिर वो प्रचार करते हैं। तो उम्मीद से कहीं ज्यादा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ स्टेट वाइज डाटा जो कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है कि
हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में कांग्रेस के पास मुश्किल से 4 से 5 सीट थी। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कम से कम 5 सीटों में फाइट पे है, राजस्थान में करीब करीब 8 से 12 सीटों पे फाइट पे है, मध्य प्रदेश में लगभग 8 से 9 सीटों पे फाइट पे है, हिमाचल में 2 सीटों पे अच्छी फाइट दे रही है, उत्तराखंड में 2 सीटों पे अच्छी फाइट दे रही है, छत्तीसगढ़ में 4 सीटों पे फाइट दे रही है। तो ये उनको रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, वो तो 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। लेकिन पहली बार जब पिछली बार राजस्थान में 25-0 आई, 2014 में 25-0 आई, और इस बार आपको सीटों पे अच्छी फाइट दे रहे हो, तो ये अपने आप में इनको लगता है कि इनके लिए एक सकारात्मक संदेश है, एक पॉजिटिव मैसेज है जिसके सहारे कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। और शायद मुझे लगता है प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे के बदले में जब राहुल गांधी ने ये कहा कि 180 भी नहीं आएंगी, ये बेसिकली वो नैरेटिव और परसेप्शन की बात हो रही थी जिसमें पहले बीजेपी ने फंसाने की कोशिश की और उसके बाद फिर कांग्रेस ने कोशिश की कि आंकड़ों के खेल में कैसे फंसा जाएगा, कैसे किसी को फंसा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि उन दोनों को काउंटर करने की बात थी। हिमांशु जी, कांग्रेस बार बार और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री के भाषणों में धार्मिक संदर्भ जितने आएंगे वो इस बात का प्रतीक हैं कि वो बीजेपी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले कुछ उदाहरण हैं, 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का उदाहरण है, कब्रिस्तान शमशान का बयान आया, 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनारस चले गए, कैंप किया, वहाँ 4-5 दिन रहे, तो उसको इस तरह से देखा गया कि बीजेपी बहुत आश्वस्त नहीं अपनी जीत के प्रति। क्या क्या इसमें कोई रिश्ता है? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जो नई भाजपा जिसको कहते हैं, उसमें जो कैंपेन है उसमें रिलीजियस संदर्भ जितने आएंगे वो इस बात से इसका कोई रिश्ता है कि चुनाव में उसकी स्थिति कमजोर कितनी है या मजबूत कितनी है? देखिए, मुझे लगता है जो बात निधि भी कह रही थी, आदेश ने भी कही कि बीजेपी के लिए मतदान परसेंटेज कम होना कोई हार का सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक आपने कहा है तो एक संदर्भ और दे देता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में लगा तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यहाँ पे उनकी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम हो सकती है, उनकी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, एक माहौल है। तो ऐसे में बजरंग दल का मुद्दा आया और बजरंग दल को हनुमान से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर जो बजरंग दल को बैन करने की बात थी उसको मुद्दा बनाया और फिर उस पर कैंपेन को खड़ा करने की कोशिश की। अंत तक आप जो कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार दे देता हूं। 19 तारीख को जब पहले चरण के मतदान होते हैं उसमें 4% के करीब जो है मतदान में कमी आती है 2019 की तुलना में। तो ऐसे में 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जाना कि जो है विरासत टैक्स कर लगाकर जो है कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो आपकी संपत्ति ले लेगी, आपके घर ले लेगी, आपका सोना ले लेगी, यहां तक कि स्त्रियों का जो सबसे अमूल्य धन है वो है मंगलसूत्र, वो छीन लेगी। तब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्रियंका गांधी ने आके बयान दिए। लेकिन सैम पिट्रोडा वो आते हैं और वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये कर लगता है विरासत कर, और जिनके पास 1 बिलियन की संपत्ति होती है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 45% दी जाती है और सरकार 55% अपने पास रख लेती है और उनको सरकार अपने डेवलपमेंट और अन्य कामों के लिए यूज करती है। इसको मुद्दा बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो आदेश करे ना इस बार पूरे अग्रेसिव है। आप देखिए पवन खेड़ा ट्वीट करते हैं, वो बताते हैं कि जयंत चौधरी इनहेरेंट टैक्स को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था इस पर डिबेट होनी चाहिए। अमित मालवीय का उसके ऊपर टैक्स ट्वीट है, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल इस पर डिबेट होनी चाहिए। अरुण जेटली उन्होंने कहा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज को निकाल के ले गई कि बीजेपी जो बात कह रही है वो तो खुद भी इस पर कहती है, हमारे ऊपर आरोप ना लगाए। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्सफुली चीज करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो है ओबीसी का, एससी का, एसटी का,
उसमें कहीं ना कहीं कटौती करके जहां जहां विरोधी दलों की सरकार है, जो गैर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जहां है, वो ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन कम करके जो है मुसलमानों को दे रहे हैं। उसके उन्होंने उदाहरण दिए, कर्नाटक के अंदर 90 नई जातियों को जोड़ा गया जिनमें 85 जाति जो है वो मुस्लिम है, पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, तो ऐसे तमाम उदाहरण जो है वो दिए। और अब भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जो मुद्दा वो लेके चले थे, जो डेवलपमेंट का मुद्दा था, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अब इस नैरेटिव पे आ गई है कि जो बात आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम या रिजर्वेशन की, उसको लेकर जो है एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और ग्राउंड पे जाना चाहती है। और इसीलिए आप देखेंगे तो ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के नेता वही बात कह रहे हैं कि विरासत कर लगाकर जो है कांग्रेस आपकी संपत्ति ले लेगी, आपका मंगलसूत्र तक ले लेगी। अब ये नैरेटिव कितना जनता के बीच में नीचे तक जाता है ये देखने वाली बात है। 4 जून को तो ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है ये कितना जो है नीचे जमीन तक जनता के बीच में गया और वो उसको कितना जो है पहुंचा पाए, अपनी बात से कन्विंस कर पाए, या कांग्रेस कितना टक्कर दे पाई है भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में। उन्होंने जो भी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, चाहे वो संपत्ति कर वाला हो या फिर जो है रिजर्वेशन वाला, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार मुखर ज्यादा दिखाई दे रही है। जी कमलेश जी के पास चलते हैं। कमलेश जी, कांग्रेस की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पे हम लोग कई बार बात करते हैं और हम इससे पहले एक बार बात कर रहे थे तो ये भी हुआ कि वेल्थ सर्वे जो है अपने आप में भारत के का जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है 170,000 है और ये एक ऐसी चीज़ है कि एक अगर थ्योरेटिकली सोचें तो इसके प्रति रिजेक्शन पहली भावना नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ज़्यादातर लोग इसको पसंद करें, लेकिन अगर अभी आप देखें जो नैरेटिव हवा में है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे जिस तरह से कामयाबी से पेश किया है, उसमें सत्य कितना है, एग्जैजरेशन कितना है, वो एक अलग इशू है। मैं राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के साथ इस चुनाव में आपको क्या मुख्य तौर पर 2-3 बड़ी समस्याएं लगती हैं कि उनके पास मुद्दे हैं, वो ब्रेड एंड बटर के इश्यूज को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं, बट वो जनता तक पहुंचते क्यों नहीं? देखिए, एक तो बीजेपी को एक एडवांटेज है कि उनका कम्युनिकेशन एकीकृत है, एक आदमी के इर्द गिर्द घूमता है। कांग्रेस एक बहुत ही डिस्परेट काइंड ऑफ पार्टीज के को लेकर चुनाव में गई है और इस बार उन्होंने जो उनकी पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां, सपा हो, राजद हो, जो बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं, वो कास्ट पॉलिटिक्स करती हैं और राहुल गांधी ने ये डिसाइड कर लिया है कि कांग्रेस भी कास्ट पॉलिटिक्स करेगी। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी ने जो एक हिंदुत्व का वोट बैंक खड़ा किया है जो धर्म पर आधारित है, उसको काटने का तरीका यही है कि उस वोट बैंक को जातियों में बांटा जाए। और ये अगर आपने हम सब ने नोटिस किया कि प्रधानमंत्री जब पहली बार धर्म को खींचकर नैरेटिव में लाए, वो राजस्थान में 2 जगहों पर, मांसवाड़ा और टोंक में। कारण स्पष्ट था कि राजस्थान में टिकट बंटवारे और वहाँ की परिस्थितियाँ और स्थानीय जाति समीकरण के चलते ऐसी हवा चल पड़ी कि बीजेपी के 25 के 25 तो नहीं आ रहे हैं और उनको लगा कि बस ऐसे जो क्या बोलते हैं, जीत के प्रति आश्वस्त होकर रह जाना शायद काम नहीं आएगा। तो उन्होंने जब देखा कि जाति की काट उनके पास एक ही है और वो है हिंदुत्व और फिर उसमें मुसलमानों को संपत्ति दे दी जाएगी, ऐसा भय पैदा करना उस सब का एक हिस्सा था। इनके कम्युनिकेशन में यह होता है कि दिस फ्लोज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो बोलते हैं फिर उसको सारे लोग डिफेंड करते हैं। जेपी नड्डा ने किया, अमित शाह विभिन्न रैलियों में कर रहे हैं, तो उनका बहुत एकीकृत, एक सेंट्रलाइज होता है वो कि हमारा ये पॉइंट है, हम इसको लेकर अभी आगे बढ़ेंगे अगले चरण तक। ये देखिएगा कि 7 चरणों में नैरेटिव बदलेगा, कहां चुनाव हो रहा है इस पर निर्भर करता है। तो अभी का जो नैरेटिव है वो प्राइम मिनिस्टर एक बार वहां बीज डालते हैं, बाकी लोग उसकी सिंचाई करते हैं और उसको फैलाते हैं। जबकि कांग्रेस में राहुल गांधी ने बोला तो फिर किसी ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। फिर जैसे राहुल गांधी ने बोला कि हम वेल्थ कास्ट सेंसस करेंगे, एक्सरे जिसको बोलते हैं, और उसको वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर
अचानक से कुछ लोग स्पष्टीकरण देने लगे, उनका मतलब यह था और यह नहीं था। फिर राहुल गांधी खुद बोले कि मैं तो सिर्फ एक्सरे की बात कर रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि मैं कुछ उसके बाद कोई क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप पता कर लेंगे कि फ्रैक्चर है लेकिन फिर उसका इलाज नहीं करेंगे? तो ये समस्या है। बाकी जो इनके सहयोगी हैं जैसे राजद है, वो बार बार आकर कहते हैं कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल जाएगा। कांग्रेस भी बोलती है, आपके संजय सिंह जगह जगह बोल रहे हैं कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल जाएगा, उसको रोकना है। संविधान बदल जाएगा नहीं बल्कि हटा दिया जाएगा, उसको रोकना है तो फिर भाजपा को केंद्र से हटाना है। तो आप ये देखिए कि इस ये जो संविधान बदलने वाला आइडिया है ये किसका है, किसके कम्युनिकेशन का हिस्सा है, कौन किसको बिल्ड कर रहा है? तो राहुल गांधी का जो मॉडल है उसको अपनी ही पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी के लोग भाई क्यों समर्थन करेंगे, पर अपनी ही पार्टी के लोग जो है उसको उसमें बिखराव ला देते हैं, वो छितर जाता है और फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार पहले चरण के बाद और दूसरे चरण के बीच में काफ़ी कुछ कांग्रेस के कम्युनिकेशन में अब दिख रहा है कि उसमें एक सामंजस्य हाँ बिठाने की कोशिश हो रही है कि हम अपने सहयोगियों के किसी नीति के खिलाफ ना बोलें और इनके सहयोगी भी इनकी नीतियों का समर्थन खुलकर कर सकें। जी निधि, आप अभी राजस्थान से लौटी हैं, प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का जिक्र किया, एक इमोशनल मुद्दा है भारत में महिलाओं के लिए, वो सिर्फ जेवर की और एक वो उसकी जो वैल्यू है सिर्फ उसकी बात नहीं है, हमने जो कहानियाँ पढ़ी हैं, जो फिल्में देखी हैं, मंगलसूत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें महिला अपने रौद्र अवतार में आ सकती है अगर उस पर प्रश्न किया जाए। मंगलसूत्र का मुद्दा है, रिलीजियस पोलराइजेशन का मुद्दा है, आपकी संपत्ति का मुद्दा है, जो पैतृक संपत्ति है इनहेरिटेंस टैक्स के जरिए, वो भी एक इमोशनल मुद्दा है, सिर्फ वेल्थ का मसला नहीं है। जब आप ग्राउंड पे घूम रही थीं, जिन इलाकों में आप गईं, अगर आप कुछ उदाहरणों के साथ बता सकें कि ब्रेड एंड बटर इशूज़ की कितनी बात हो रही है और भावनात्मक मुद्दों की, इमोशनल मुद्दों की कितनी बात हो रही है, और इन सब के साथ 2019 के चुनावों से, 2014 के चुनावों से अगर एक तुलना कर सकें 2024 के चुनावों की। तो देखिए, राजस्थान और काफ़ी जो हमारे दूसरे स्टेट्स भी हैं उसमें जो मेन मुद्दे रहते हैं, जिस तरीके से टिकट्स भी हमारी का वितरण होता है, मेनली कास्ट रहता है। राजस्थान में ये बहुत ही ज़्यादा हावी है, ऐसे ही जैसे यूपी में है, बिहार में है, हर जगह है। तो मूलतः कास्ट एक जिस तरीके से एक तरीके स्ट्रैंड होता है, वो एक कॉमन स्ट्रैंड रहता है। मंगलसूत्र की बात हो रही है, ग्राउंड पे मुझे कहीं नहीं दिखता, वो चाहे एक दिन के लिए व्हाट्सएप पे बात हो जाए, वो थोड़ा सा जैसे हेडलाइन ग्रैबिंग चीजें होती हैं वो हो सकती हैं, लेकिन जो बात हो रही है जिन जिन इलाकों में मैं गई, राजस्थान एक ऐसी जगह है जो मैं आपको बताती हूँ, पहला जब चुनाव मैंने कवर किया था वो था 2008 का असेंबली इलेक्शन। तो जब भी मैं बैठती थी और मैं लोगों से बात करती थी तो सबसे पहले मैं सिर्फ अपना एक पहला नाम बोलती थी, निधि। तो वो मुझे इंट्रोडक्शन देते थे ऐसे कि ये माली है, ये चमार है, ये ब्राह्मण है, ये वहाँ पे नाम की कहीं बात नहीं होती थी, जो हमारी अर्बन सेटिंग्स में हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और वो मुझसे पूरा नाम पूछते थे। तो ये जो धारणा है कि इश्यूज पे बात होगी, लेकिन हमेशा एक जाति को लेके आप देखेंगे हमारी स्टेट्स में एक ही बात होती है, वो जाति को लेके होती है। और जब भी आप राजस्थान में जाएंगे या यूपी या बिहार में ट्रैवल करेंगे, आपको हमेशा पता चल जाएगा कि ये मेरी कास्ट का, वहाँ पे जो मूलतः बात होगी, ये मेरी कास्ट का कैंडिडेट नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से ना ये डिवीजन होता है। दूसरी बात जो वहाँ पे अब इश्यूज पे आते हैं, दूसरी बात जो मुझे राजस्थान में देखने को मिली, वो अभी अभी एक फटीग है। अभी अभी आपके असेंबली इलेक्शंस खत्म हुए हैं नवंबर में, और एक फटीग सा आ गया है कि अभी तो इलेक्शंस खत्म हुए हैं, इसीलिए आप देखेंगे जो 60% भी राजस्थान में फर्स्ट फेज के अंदर जो 12 सीटें थी उस पर टच नहीं किया है, तो नेशनल एवरेज के आसपास ही है, एक फटीग है। तीसरी बात है, अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो वहां पे अभी भी जो असेंबली इलेक्शन के मुद्दे हैं वो चल रहे हैं।
जो असेंबली इलेक्शन के टाइम में जब मैंने ट्रैवल किया था, तो जैसे हमारी चुरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाली बेल्ट हो जाती है जिसके अंदर से शेखावटी बेल्ट जिसे कहते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे लोग जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं. तो उस टाइम अग्निवीर का इम्पैक्ट था, अभी भी अग्निवीर का इम्पैक्ट है. अभी भी कांग्रेस जो है, जो मैंने देखा है ग्राउंड पे, एक बहुत लोकल चुनाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये माइंड में है कि वो मोदी की तुलना नहीं कर सकते. तो दूसरी बात ये आ जाती है कि जो 19 के चुनाव में मैंने देखा था, वो एक पुलवामा इफेक्ट था, वो नेशनलिज्म पे खेला हुआ एक पूरा इलेक्शन था, पूरा फैशन किया गया था. उस टाइम लोग हमेशा ये बोलते थे हमें मोदी जी को सशक्त करना है, हमें भारत को सशक्त करना है. 19 से लेके 24 तक चांद एक हमारे प्रधानमंत्री का कहीं गया नहीं है, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी और एमपी में, जो आपका एमपी एरिया एमपी है. तो बहुत जगह मुझे ये देखने को मिला, ठीक है मोदी जी को सशक्त करना है, मोदी जी अलग हैं, लेकिन हमें काम तो हमारे एमपी से होगा. मैं एक 2019 का एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ. मैं गई थी मंडला में, जहाँ पे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे फग्गन सिंह कुलस्ते थे एमपी, और वहाँ पे यहाँ तक हुआ था कि फग्गन सिंह कुलस्ते अपने उनके गाँव में उनकी के लोग ये बोलते थे कि हम इनको वोट नहीं देंगे. क्लोजर टू द इलेक्शन ये भी हुआ कि उनकी जब कैवलकेड जा रही थी, उनकी गाड़ी से किसी महिला को चोट लग गई, उसके ऊपर भी लोगों में बहुत आक्रोश था. एक रैली हुई थी बिल्कुल वोटिंग से पहले पहले मंडला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने सिर्फ ये कहा था, जो बहुत फेमस है वो एक वीडियो, जिसके अंदर उन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते को ना ऐसे साइड कर दिया था और बोला था इसको मत देखिए, मुझे देखिए, मोदी आया है तो आपके पास वोट मांगने के लिए. और वहां से खूब लंबे चौड़े मार्जिन से फग्गन सिंह कुलस्ते जीते थे. लेकिन अगर अभी अभी देखा जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते अभी अभी असेंबली इलेक्शन हार और अभी फिर से मंडला से कैंडिडेट है. तो क्या जनता प्रधानमंत्री मोदी और अपने एमपी में डिफरेंशिएट करके फिर वोट देगी, ये बहुत देखने वाला फैक्टर है. जो मुझे इस बार मिला राजस्थान में अच्छी तरीके से मिला कि उन्होंने कहा मोदी जी ठीक हैं, अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमें काम तो हमारे एमपी से होगा. जी हिमांशु, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए हैं, अगर आप उसको देखें, अभी कमलेश जी जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान से उसकी शुरुआत हुई, पहले उन्होंने राजस्थान में बांसवाड़ा में बयान दिया, और उसके बाद टोंक में उसी बयान पे वो कायम रहते हुए कहे कि मैंने तो सिर्फ ये बात कही थी, अगर कांग्रेस को लगता है मैंने गलत है तो वो बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने नहीं कहा था क्या ऐसा. और जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है, वो कर्नाटका स्टेट्स की बात सबसे ज़्यादा होती कि कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण जो है दिया गया, जिसमें जातियाँ उपजातियों की को भी ओबीसी में शामिल कर दिया गया, जिससे ओबीसी हिंदुओं का नुकसान हुआ. जो ये जिन स्टेट्स के संबंध में ये बातें हो रही हैं, ये जो मुस्लिम पोलराइजेशन, हिंदू पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन की बात हो रही है, क्या ऐसा कोई निष्कर्ष निकलता है कि ये स्टेट्स स्पेसिफिक नज़रिए से बीजेपी की वहाँ स्थिति बहुत मजबूत नहीं है? हालांकि अलीगढ़ में आकर के उन्होंने फिर से वही जिक्र किया, मंगलसूत्र वाला और संपत्ति लेकर के उनको दे देने वाला, लेकिन क्या राजस्थान और कर्नाटका के संबंध में जब इसको देखा जा रहा है तो विद इन बीजेपी इसको लेकर के कैसी चर्चा है कि क्या इन दो प्रदेशों में बीजेपी मजबूत नहीं है? देखिए, मुझे लगता है जो बात निधि कह रही थी ना राजस्थान को लेकर, कि राजस्थान में भी जातियां बहुत महत्व रखती हैं, चुनावी दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से. और मैं जोधपुर में जितने लोगों से मेरी बात हुई है, वो इस बात को लेकर बड़े वो है कि ठीक है प्रधानमंत्री हैं, अच्छी चीज है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यहां आए, काम होने चाहिए. एक मुद्दा मुझे बहुत, कल मैंने कई लोगों से बात की, आज सुबह जब बात कर रहा था तो एक इशू बहुत बड़ा नजर आया, वो एयरपोर्ट. देश में 172 एयरपोर्ट नए बन रहे हैं या उनका रेनोवेशन हो रहा है या नए बन रहे हैं. जोधपुर का जो एयरपोर्ट है वो बहुत पुराना है, 5 बजे के बाद यहां से फ्लाइट नहीं उड़ती है, आप देखिए. और जोधपुर के लोग महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे जाके बिजनेस करते हैं और अच्छे बिजनेसेस करते हैं,
लेकिन यहां पर एयरपोर्ट का मुद्दा है, यहां शिक्षा बेरोजगारी का मुद्दा है, यहां महंगाई का मुद्दा भी समझ आ रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ये मुद्दे जो हैं इस बार हावी हैं। निधि एक और बात कह रही थी कि 2019 में पुलवामा एक बहुत बड़ा फैक्टर था चुनाव में और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस बार इस तरीके के कोई मुद्दे अभी नहीं है और पिछले 4 महीने से ज्यादा समय हो गया है राजस्थान में सरकार बने, आज भी जो है पेपर लीक का मामला, नौकरियों का मामला यहां अभी भी जीवंत है, उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। और यही बात है कि युवा चाहते हैं, महिलाएं चाहती हैं। आज मैं एक बूथ पे एक महिलाओं से वैसी बात कर रहा था ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि अभी तक नौकरियां क्यों नहीं दी जब आपने कहा था। तो ये सारी चीजें जनता अब सवाल पूछ रही है क्योंकि 10 साल हो गए हैं और अगर आप उस नैरेटिव को देखेंगे तो कांग्रेस उस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती है कि आपने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, क्या हुआ, महंगाई क्यों नहीं कम होती है, आप अग्निवीर स्कीम लेके आए, जोधपुर से भी बहुत से लोग जो है सेना में जाते हैं, तो अग्निवीर का मुद्दा यहां पर भी है, यानी पूरा जो मारवाड़ का एरिया है, चाहे वो बाड़मेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, ये सारी बेल्ट जो है यहाँ पर आर्मी में बहुत लोग परिवारों से जाते हैं, ये बड़े इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला थोड़ा टफ है। और एक चीज आदेश मुझे लगता है और अच्छे से बताएंगे, निधि बहुत अच्छे से बता पाएंगी, इस बार कांग्रेस ने जो सीटें है ना वो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दी। आप देखिए अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो है वो पिछला चुनाव यहाँ पे हार गए थे, इस बार उनकी जगह जो है करण सिंह को उतारा गया है, वो भी राजपूत हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजपूत वोटरों में डिवीजन हो जाए, जाट वोटों में डिवीजन ऑलरेडी हो रखा है और हनुमान बेनीवाल को साथ ले लिया तो इसका फायदा उनको मिल जाएगा, साथ ही साथ ट्राइबल वोट जो है वो राजस्थान में आ जाएंगे क्योंकि बाप पार्टी जो है वो साथ आ गई है कांग्रेस के। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को, समीकरणों को साधा गया और इसीलिए बीजेपी के खेमे में हलचल भी है। मैं कुछ देर पहले जोधपुर के एक बड़े नेता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि इस बार टक्कर बड़ी मजबूत दे रही है कांग्रेस, नतीजा हमारे ही पक्ष में आएगा, लेकिन टक्कर जो है 2014 और 19 से ज्यादा मजबूत है। कहीं ना कहीं जब बीजेपी इस बात की का जिक्र कर रही है जो है वो विरासत टैक्स का, और वो देने की बात मुसलमानों को कर रही है, प्रधानमंत्री सीधा सीधा इशारे इशारे में कह भी रहे हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं आपका रिजर्वेशन लेकर जो है मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो बीजेपी को अब लगता है कि एक तरीके से राम मंदिर, महिला आरक्षण, डेवलपमेंट, ये सब मुद्दे जो है वो छूटे पड़ गए हैं और अंत में आकर जो है कहीं ना कहीं अब बीजेपी अपने जो उनका एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई रहती है उस लड़ाई पर ज्यादा चुनाव में लड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है आदेश भाई, आपको जाना है, मैं संक्षेप में 2 छोटे-छोटे सवाल आपसे। अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश की 2 सीटें, अभी तक नाम नहीं आया है वहां से। कुछ मीडिया रिपोर्ट से कह रही हैं कि ये तय हो गया है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव का नामांकन करने से पहले एक बार अयोध्या भी जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। इस बारे में आपके पास क्या जानकारी? मैं ये ट्वीट भी कर चुका हूं और आपको बता देता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये डिसाइड हो चुका है। इसके पीछे का तर्क ये है कि अगर तीनों गांधी संसद में आ जाएंगे, अगर वो जीत जाती हैं तो उससे ऑलरेडी गांधी परिवार पर आरोप लगते परिवारवाद के, तो ये संदेश ठीक नहीं जाएगा, इसलिए प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब आज वायनाड में वोटिंग हो रही है और तो मुझे लगता है कि आज रात को राहुल गांधी दिल्ली आएंगे। अगले 2 दिन में इस बात का फैसला गांधी परिवार करेगा कि क्या करना है। अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो वो अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ेंगे, लेकिन ये फैसला गांधी परिवार करेगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली सीईसी की बैठक में, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि गांधी परिवार को अपनी दोनों सीटों से लड़ना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, अब रायबरेली खाली हो गई है। तो लेकिन उस बैठक में सिर्फ सोनिया गांधी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बात सुन के चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये कहती है कि गांधी परिवार इन दोनों सीटों से चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन
प्रियंका गांधी बिल्कुल नहीं लड़ेगी। अगर एक सीट लड़नी पड़ी वो भी रायबरेली, तो उस सीट पे राहुल गांधी जाएंगे, लेकिन उसकी भी आशंका मुझे बहुत कम लगती है। और ये रामलीला के दर्शन वाली बात, ये मैं कल किसी से पूछ रहा था ये दोनों ही खबरों के बारे में, एक वरिष्ठ काफी नेता है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कहा कि ये नैरेटिव जो है ना ये हमारे विरोधियों ने, यानी उनका आरोप ये था कि ये बीजेपी ने फैलाया है, क्योंकि अगर हम दोनों सीटों से नहीं लड़ते हैं और हम राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते हैं तो हमें हमारे बारे में फिर ये कहा जाएगा कि देखिए यूपी छोड़ के भाग गए, उत्तर भारत छोड़ के भाग गए, सिर्फ दक्षिण की पार्टी कांग्रेस रह गई है, और हम तो पहले से ही कहते थे कि ये राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे और देखिए नहीं गए। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया इनके खिलाफ, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। अब दरअसल देखिए इसको आप जाइए राज्यसभा चुनाव के समय पे, जब सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजना था तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और वहां के लोकल लीडर सब ये चाहते थे कि सोनिया गांधी ये तो कर्नाटक से जाए या जाए तेलंगाना से, लेकिन पार्टी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और सोनिया गांधी राज्यसभा भी साउथ से जाएंगी तो कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगेगा, जो कि ऑलरेडी लग रहा है कि वो साउथ की पार्टी हो गई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए सोनिया गांधी को पहले हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजने की तैयारी थी, लेकिन फिर वहां से रिपोर्ट आई कि वहां वोटिंग हो सकती है, वहां विधायक नाराज हैं, और हुआ भी वैसे ही, अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए और सोनिया गांधी को राजस्थान शिफ्ट किया गया। ये एक सोची समझी रणनीति थी, लेकिन अब जब चुनाव लड़ने की बात हो रही है या दर्शन की बात हो रही है, ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है। ऐसी कोई तैयारी फिलहाल मुझे पार्टी के अंदर दिखाई नहीं देती है कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसा होने जा रहा है। ठीक है, अभी जब हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा आदेश से है, क्या सीधा छोटा सवाल है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो मेरा तजर्बा है कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहा हूँ 15 साल से, ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, उनकी अपनी सीट से उनके दामाद को टिकट दी गई है। कमलेश जी, ऐसी कोई टिप भी नहीं है मेरे पास और ऐसे कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई कैसे ना फुसफुसाहट भी नहीं है पार्टी के भीतर कि इस बात को ये कोई चर्चा हुई हो। हाँ, कोई सरप्राइज देना चाहती है पार्टी या खड़गे साहब तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल कोई चर्चा या कोई जानकारी ऐसी मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत दूर की कौड़ी लेके आए, वो दिलचस्प आइडिया है ये। हाँ, उड़ती हाँ। किसी पंछी ने कहा। ये कमलेश जी, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि खड़गे साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हम अमेठी और रायबरेली में सरप्राइज देंगे आप लोगों को, तो मुझे लगता है कमलेश जी ने वहां से कोई इनको आउटपुट मिला होगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी तक हम लोगों को लगभग 10 दिन पहले मुझे किसी पंछी ने बताया। मैं रिपोर्टर कहता हूँ मैं हम लोगों को, तो ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, एक चीज बस आखिरी चीज और बता दीजिए, मुझे मालूम है आपको जाना है, कि जो पहला चरण हो गया, दूसरे चरण के वोट अभी डाले जा रहे हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस के खेमे के भीतर का जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वो कैसा है? खदबदाहट है, उत्साह है, उम्मीद है, क्या क्या है रिस्पॉन्स? उम्मीद जाग गई इन लोगों की, इनके जो उम्मीद बिल्कुल उस पर पानी फिर गया था पहले चरण के मतदान के बाद और कैंपेन के बाद और जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई उसके बाद, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का नहीं है, जनता ही कर रही है जो कर रही है, या मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान राम के भरोसे बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। तो दरअसल इनको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, कि एक टाइम ऐसा था स्टार्टिंग में कि नेता नहीं थे जिनको टिकट दे दें, सब लोग भाग रहे थे कि नहीं हम ये लड़ना चाहते, और खास तौर पर जनवरी के एंड में जब राम मंदिर का कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त तो सबने मान लिया था कि ये ऐसा मुद्दा है जो इस बार चुनाव को साफ कर देगा और 300 प्लस सीटें बीजेपी की आएंगी, लेकिन जब जमीन से इनको फीडबैक मिल रहा है तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, खासकर हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कुछ जगह पे उत्तर प्रदेश में जरूर है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, तो उस बात से बहुत राहत फील कर रहे हैं। दूसरा, बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो इन बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस बिल्कुल जीरो है, वहां जितनी सीटें कांग्रेस की बढ़ेंगी उतनी ही सीटें बीजेपी की कम होंगी, तो ऐसी स्थिति में जो 300 सीटें आज 303 सीटें बीजेपी की हैं, तो इन राज्यों में अगर जितनी सीटें बढ़ेंगी उतनी बीजेपी की 300 सीटों में से कम होंगी, तो ये कांग्रेस पार्टी एक रिलीफ महसूस कर रही है कि साउथ से तो वो
अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है कि कर्नाटका में अच्छा होगा, तेलंगाना में अच्छा होगा, केरल में अच्छा है, तमिलनाडु में भी ठीक परफॉर्मेंस रहेगा, महाराष्ट्र में ठीक उम्मीद है, बिहार में ठीक उम्मीद है, लेकिन ये जो राज्य है उत्तर भारत के जिसमें खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा जहाँ कांग्रेस पार्टी के पास मुश्किल से 4 सीटें हैं, उनमें भी अब पार्टी को उम्मीद है कि बेहतर नंबर आएंगे और ये नंबर सीधा सीधा बीजेपी के नंबर को कम करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदें थी, जो बिल्कुल जिनके ऊपर पानी फिर गया था, वो थोड़ी सी जागी हैं, थोड़ा सा जोश आया है, अब वो स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं, अब वो रैली भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब उनके अकाउंट फ्रीज हुए तो बिल्कुल ही हार मान गए थे, तो अच्छा थी, लेकिन अब वो निराशा नहीं है वैसी जैसी पहले फेज से लगभग 15-20 दिन पहले तक नजर आती थी, अब उन्हें एक उम्मीद है। निधि जी, एक सवाल आपसे, मतलब वो रिपोर्टर से पूछा जाने वाला सवाल उतना नहीं है, थोड़ा एनालिटिकल सवाल ज़्यादा है, वैचारिक सवाल ज़्यादा है कि प्रधानमंत्री के दो रूप हमें देखते हैं। जब प्रधानमंत्री सरकार चला रहे हैं तो वो ईद की शुभकामनाएं देते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लाभार्थी योजनाओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी को बड़े गर्व से बताते हैं, वो भी और उनकी पार्टी के नेता भी, मुस्लिम महिलाओं का बार बार अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, 3 तलाक से उनको आज़ादी दिलाई। लेकिन जब चुनाव का जो पीरियड होता है, आमतौर पे 1 महीना 45 दिन, विधानसभा चुनाव में और थोड़ा कम, उसमें प्रधानमंत्री के भाषणों में थोड़े वो 2.0 नज़र आता है, या कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि गुजरात में प्रधानमंत्री के भाषण जितने एग्रेसिव हुआ करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, वो वाला वर्जन उनका नज़र आता है। नई वाली भाजपा की वैचारिकता को, आइडियोलॉजी को इस तरह से इसको कैसे डिकोड करें कि वो अपनी लाभार्थी योजनाओं में, अपनी पॉलिसी मैटर्स में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, लेकिन चुनाव समय पर एक सरफेस थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहती है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का, लेकिन वो एक शगुफा मात्र ही होता है। देखिए, कहीं ना कहीं एक रीथिंक हुआ है। अगर आप देखें कि पहले मैं आपको उस टाइम की भाजपा के बारे में बताती हूँ, जब पहले एलके अडवाणी ने, जब कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, तो एनडीए आया सामने, तो खुद ही भाजपा ने नुआंस कर लिए थे अपने स्टैंड। अगर आप देखें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उस टाइम हुआ था, तो उन्होंने मंदिर, आर्टिकल 370, इनका कहीं पे भी जिक्र नहीं था। अब जब बिल्कुल बुरी तरह से इनका अच्छा वाला बहुमत प्राप्त हुआ, 2019 में भी अच्छा वाला बहुमत प्राप्त हुआ, तो भाजपा ने ये रियलाइज कर लिया कि उनको अपना सेंटर स्टेज लेना पड़ेगा, एम्फेसिस किया है, और जिसके लिए भाजपा स्टैंड करती है, तो वो हमेशा से एजेंडा था ना, उसकी टाइमिंग का ही एक क्वेश्चन मार्क था हमेशा से, कि ये टाइमिंग कौन सा होगा जब ये सारे के सारे एजेंडा पूरा होंगे। अब दूसरी बात कि कहां प्रधानमंत्री नुआंस करते हैं, प्रधानमंत्री नुआंस नहीं करते हैं, उन्होंने बहुत ही अपना एजेंडा बहुत क्लियर रखा हुआ है। लाभार्थी, हाँ, लाभार्थी स्कीम्स को अगर आप देखा जाए तो वो सब जगह पहुंचती हैं और सब जगह ये सरकार का क्लेम भी रहा है, और धरातल पे अगर आप देखेंगे ऑन ग्राउंड पूरा का पूरा ये स्कीम्स पहुंचती हैं, नॉट रियली कीपिंग रिलीजन इन माइंड और एनी अदर थिंग इन माइंड, लेकिन जो पोस्चरिंग होती है हमेशा से वो बड़ी ही सटीक है, वो वाली जो उसमें कोई, दे आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट, जो पॉलिटिक्स है वो भाजपा की, या नई भाजपा हो या पुरानी भाजपा टाइम और अडवाणी के टाइम की भाजपा हो, वो बिल्कुल सटीक है, वो टारगेट के ऊपर उन्होंने अपनी नजर रखी हुई है, वो कहीं नहीं जाएगी, थोड़ा सा नुआंसिंग हो सकती है। अब आइए प्रधानमंत्री जी के जो पहला बयान था, उसके बिल्कुल बाद उन्होंने एक दिन के बाद ही उस स्टांस को मेलो कर दिया था, थोड़ा सा नीचे ले आए थे उस स्टांस को, जो उन्होंने बांसवाड़ा में बोला था उससे बिल्कुल ही वो 2 कदम पीछे हट गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब भाजपा में ये जागरूकता आ गई है कि थोड़ा सा शायद नुआंस करना पड़ेगा स्टैंड। यही सवाल कमलेश जी मेरा आपसे भी है, मतलब ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो ये सवाल फिर से पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, एक समय कांग्रेस उस पर बहुत जोर शोर से सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगाती रही,
और इसके लिए उदाहरण दिए जाते रहे जो कांग्रेस के राज में भी बहुत सारे सांप्रदायिक संघर्ष और दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के राज में भी बहुत सारे दंगे संघर्ष हुए, सांप्रदायिक संघर्ष हुए, लेकिन ये आरोप इस पार्टी के साथ नथी रहा है विपक्ष की ओर से लगातार। इसको कैसे डिकोड आप करते हैं कि आप इसको कैसे साधा है धर्म को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति में, सिर्फ हल्के से एक धागे से टांक भर लिया है? नहीं, क्या होता है कि आदमी अपनी भाषा पर लगाम भय में ही रखता है और उनको ये पता है कि ये जो चुनाव है उसमें बहुत तरह के समीकरण काम करते हैं। अभी निधि बता रही थी लाभार्थियों के बारे में, हकीकत ये है कि जो नरेटिव का बहस है ये हम लोगों के बीच में है। बहुत सारे प्रबुद्ध जन जो हैं होते हैं हर शहर में, हर कस्बे में, उनके बीच होता है। व्हाट्सएप सबके पास है, फिर भी उसका कारण है कि इनके जो, और जो जातिवाद वाली बात होती है ना कि हम इस जाति को वोट देंगे, उस जाति को वोट देंगे, इसका चल, इसकी लहर चल रही है, वो भी एक हद तक दबंग जातियों का मामला है। जो बहुत, एक बहुत बड़ा है वर्ग वोटर का जो सिर्फ ये याद रखता है कि उसे भात मिला या नहीं मिला, तो भात के आधार पे वोट, कोई सड़क बन गई, कोई वो, मतलब एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं लोगों के जीवन में, जैसे कुछ बहुत लोगों को घर मिले हैं और ये सच है कि उनको घर मिले हैं और उसमें ज़्यादातर मतलब किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं हुआ है। घर मिले हैं, शौचालय मिले हैं, सिलेंडर, शौचालय मिले हैं, सिलेंडर तो पुरानी बात हो गई, तो अब जो है नल से जल पहुँचाया जा रहा है, उसमें भी कहीं कोई मतलब भेदभाव सरकार कर भी नहीं सकती धर्म या जाति के आधार पर, और वो होता भी नहीं है। तो उन लोगों का वोट जो है वो निर्धारित करता है, जो कि उन, वो 70 साल से इन चीज़ों का इंतजार कर रहे थे, बेसिक चीज़ों का, तो उनका वोट उस आधार पे जा सक, मिल सकता है। उसके बाद जो ये जो दूसरा वर्ग है जो बहुत वोकल है, जो बेरोजगारी और सांप्रदायिकता, और मैं धर्म की भी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो वर्ग है, ये जो बहस करने वाला वर्ग है, इनके वोट जो निर्धारित होंगे वो इस बात पे होंगे कि कौन सा फैक्टर, कास्ट या कम्युनलिज्म, जो भी बोल रहे हैं कास्टिज्म या कम्युनलिज्म, कौन सा हावी रहता है। और प्रधानमंत्री के जो भाषण है वो आप ये जान लीजिए कि चुनाव के बाद फिर वही सबका साथ सबका विकास होगा। चुनाव क्या मतलब, हो सकता है वो तीसरे चौथे चरण में ही आपको सबका साथ सबका विकास वाली पटरी पे वापस लाने की कोशिश हो सकती है ट्रेन को, पर अभी जो डिरेलमेंट हुई है उसका कारण सिर्फ यही था कि जहाँ पर चुनाव अभी अगले 2 चरणों में हो रहे हैं, वहाँ जातियों का कंसोलिडेशन हिंदुत्व के आइडिया की तरफ अगर नहीं होता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और इसलिए जो प्रोप्राइटी है एक प्राइम मिनिस्टर के भाषा की, उसको, उसका बलिदान कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। हिमांशु जी, यहीं से मतलब अगला सवाल, मैं अंदर खाने की बात आदेश जी से पूछ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के विद इन पार्टी किस तरह की हलचलें हैं, और थोड़ा इसको इस तरह से भी बताइए कि विद इन पार्टी जो मंथन हो रहा है, कौन से प्रदेशों में ये बीजेपी ने मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पर हमारी सीटें 2019 के मुकाबले कम हो रही हैं या 14 के मुकाबले भी। क्षेपक सवाल छोटा सा कि क्या उसमें उत्तर प्रदेश भी, आप, आपकी जानकारी ऐसी है कि उत्तर प्रदेश भी गिना जा रहा है? कमलेश जी कह रहे थे ना, वो बात सही है, लेकिन उसमें एक बात को आपको समझना होगा, आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की, नेताओं की चिंता एक बात को लेकर है, और वो चिंता ये है कि आप जो है उधार के लठे लेके जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं 14-19 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 432 उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 116 उम्मीदवार बाहर से आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यह लगता है कि जो उनका हक है वो किसी और को दे दिया जा रहा है। जब कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता किसी नेता की ज्वाइनिंग में बीजेपी के मंच में बैठता है और नीचे उतरता है, तो ये कहता है कि बताइए ना हम कहां जाएं, किससे अपनी व्यथा रोएं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में 40 के करीब प्रवक्ता हैं आज, और बीजेपी की कार्यकाल जो ऑफिस बेरर है यानी राष्ट्रीय पदाधिकारी है उस सूची से ज्यादा है, और 5 से 6 प्रवक्ता आदि वेटिंग है,
गौरव बल्लभ, रोहन गुप्ता, तमाम लोग हैं। आप सोचिए, बाहर से लोगों को आयात करके आप लाते हैं, उनको टिकट देते हैं, वो जीत भी जाते हैं, लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ता की थोड़ी नाराजगी सामने सामने दिखने लगी है। और यही कारण है कि कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। पंजाब के अंदर विजय सापला नाराज है कि उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको एससी कमीशन के चेयरमैन के पद से हटाया गया, उनको कहा विधानसभा लड़िए, वो हार गए, फिर उनको एससी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, फिर हटाया गया, उनको कहा चुनाव की तैयारी कीजिए। जब वो चुनाव की तैयारी के लिए लग गए, एक साल उन्होंने पूरी तैयारी की, तो वहां जो केंद्रीय मंत्री हैं सोम प्रकाश, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया, अब वो इसको लेके नाराज है। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मेरा दोष क्या है मुझे बताइए, आपने मुझे चेयरमैन से क्यों हटाया ये बताइए, आपने सोम प्रकाश की पत्नी को दे दिया, तो परिवारवाद नहीं आता है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कहने लग जाए, तो आप सोचिए पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो आग है वो अब सुलगना शुरू हो गई है। ये खतरे की घंटी है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत बहुत बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है जो 2014 या 19 का चुनाव था, जो बात निधि कह रही थी ना अभी कि अटल और अडवाणी के टाइम की पार्टी, ये अटल अडवाणी के जमाने की पार्टी नहीं है। तब भी बाहर से लोगों को लाया जाता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इतने लोगों को आयात किया जाएगा। आप देखिए कितने मुख्यमंत्री बाहर के हैं, आज कितने उप मुख्यमंत्री बाहर के हैं, कितने राज्यसभा में लोग बाहर से आ गए हैं, कितने टेक्नोक्रेट्स हैं जो बाहर से आ गए हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, राज्य सरकारों में दूसरी पार्टियों से लोग आ गए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब नाराजगी होती है। अशोक चौहान को लेकर मेरी, जब अशोक चौहान की ज्वाइनिंग हुई और उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया, तब मेरी किसी नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बताइए ना जिनके खिलाफ हम जो है संसद के अंदर आदर्श घोटाला पर बात कर रहे हैं, व्हाइट पेपर जो आया है उसमें, और वो पार्टी में आ जाते हैं, अब वो पार्टी में आकर जो है उनको ज्वाइनिंग कराया जाता है और अगले ही दिन उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है। तो पार्टी में कहीं ना कहीं लोग सोच तो रहे हैं ना कि क्या हो रहा है पार्टी में। ये बीजेपी के लिए आज चिंता का विषय है, और इसीलिए अगर आप, मैं कहूं कि बीजेपी का कार्यकर्ता से अगर आप बात करेंगे, वो इतनी उत्साह से चुनाव में लगता हुआ नजर नहीं आता है। मैं मुजफ्फरनगर भी गया था, संजीव बालियान का लोकसभा क्षेत्र है, वहां भी मुझे उस तरीके का नजर नहीं आया उत्साह। ये बीजेपी के लिए एक कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे तो चिंता का विषय है, और इस चिंता का विषय का अगर समाधान नहीं किया गया तो बीजेपी में आने वाले दिनों में आपको वोकल आवाजें सुनाई देने लगेंगी। अगर विजय सापला बोल सकते हैं या अन्य लोग आके बात अपनी रख सकते हैं कि ये क्या है। आप देखिए प्रधानमंत्री जमुई गए वहां कैंपेन करने, आरजेडी ने कहा यहां परिवारवाद की बात कीजिए, वहां प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की बात नहीं कही। नवादा गए, विवेक ठाकुर गया, वहां परिवारवाद पे बात नहीं। तो अब बीजेपी के लिए ये सही में समस्या है कि कुछ इश्यूज जो कांग्रेस के खिलाफ या विपक्षी दलों के खिलाफ बीजेपी उठाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैरेटिव सेट करते थे, वो बीजेपी में भी आ गए जी। एक मैं इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता है, और उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की चिंताएं नजर आ रही जी। मैं हरियाणा के एक किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि रतनलाल कटारिया अंबाला से सांसद रहे, चार बार सांसद रहे, अब उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। आप 8:15 पर जो है बीजेपी में जो है नवीन जिंदल को ज्वाइन कराते हैं और 8:50 पर उनको लोकसभा का टिकट दे देते हैं, एक घंटा भी नहीं होता है पूरा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता अब दबी जवान में बात कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टी आलाकमान के सामने सवाल उठा रहे हैं। इसमें ये इसमें एक संघ की भूमिका से जुड़ा सवाल है। मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी से जुड़ी खबरों पे भी नजर रखते हैं, तो उन्होंने संघ के एक वरिष्ठ नेता से पूछा कि इस बार संघ उस तरह से उतना सक्रिय नहीं दिख रहा या उतना उत्साही नहीं दिख रहा जितना 2019 में था, क्या ऐसा है क्या? तो उन्होंने एक जवाब दिया जो संघ अक्सर सार्वजनिक मंचों से कहता रहता है कि चुनाव संघ का विषय नहीं है,
2014 और 19 में चुनाव संघ का विषय था, क्या ऐसा है, ऐसी खबरें हैं कि 24 में संघ कोई कार्यकर्ता अपने उत्साह अपने स्तर से प्रांत प्रचारक लग रहे हैं और कार्यकर्ता अपने स्तर से बूथ मैनेज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का केंद्रीय संघीय संघ के केंद्रीय नेतृत्व से उस तरह का उत्साह नहीं है इस बार बीजेपी के प्रति? नहीं नहीं, मुझे इस तरीके का नहीं लगता है, क्योंकि संघ पूरी तरीके से चुनाव में लगता है और इस बार भी लगा है। उनके जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हुई थी नागपुर में, उस तरीके उसमें जो चर्चाएं हुई हैं वो हम सबके सामने है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो या अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हो। लेकिन एक चीज कुलदीप जरूर है, वो ये कि संघ के जो मूलभूत इश्यूज थे वो पूरे कर दिए हैं। धारा 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, जो है समान आचार संहिता का मामला हो, ये पूरे हो चुके। और एक चीज संघ बहुत जिस चीज को बहुत स्ट्रांगली लेता है वो ये कि आप बढ़ चढ़ कर बात मत कीजिए। जो बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, और ये जो 400 पार है ना, जब आप ये कह रहे हैं कि इस बार तो 400 पार हो गए हैं, हो रहे हैं, तो कार्यकर्ता को लगता है जब हो ही रहे हैं, कोई है ही नहीं मैदान में, तो हम घर बैठ जाते हैं, वो काम करने नहीं आता है, वो वोट कास्ट कराने नहीं जाता है। जो आरएसएस का कार्यकर्ता, जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि आरएसएस के लोग घर घर जाते थे, उनको साइकिल से, स्कूटर से, रिक्शे से पोलिंग बूथ तक लेके आते थे मतदाताओं को, और पोल करवाते थे, मतदान कराए करते थे। ये सब अब नहीं है, लेकिन फिर भी संघ लगता है। लेकिन ये जो 400 पार का नारा है ना, ये कहीं ना कहीं अति उत्साह दिखाता है कि हम तो जीत गए अब चुनाव, हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आदेश अभी कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सब ठीक है, तो वो उसमें एक पुरानी कहावत है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार को ये लगता है कि अब कुछ करो ना करो, मोदी जी हैं, मोदी जी जिता देंगे। और यही मैं आपको बता दूं, बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, एक आदमी पर पूरी पार्टी डिपेंड हो गई है। और प्रधानमंत्री ये बात भरी सभाओं में कहते हैं, मीटिंगों में कहते हैं कि आप जाइए, काम कीजिए, लोगों से मुलाकात कीजिए, आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलिए, उनको समझिए वो क्या कहना चाहते हैं, उनके अगर कुछ काम है, कुछ इश्यूज हैं, उनको दूर कीजिए। आप राम मंदिर पे चुनाव जीत जाएंगे, ये बात प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप ये मत मान के चलिए कि राम मंदिर बन गया तो चुनाव जीत जाएंगे। आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बताइए कि सरकार ने क्या किया है, सरकार ने किन इश्यूज को किया है, सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, शौचालय दिए हैं, घर दिए हैं, उज्ज्वला स्कीम के तहत है जो है वो गैस सिलेंडर दिए गए हैं, बिजली के कनेक्शंस दिए गए हैं, पानी पहुंचाने का काम, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किया है, ये जाके बताइए। आप जो है वो सरकार और संगठन को साथ लेके चलिए, क्योंकि अगर आप सरकार लेके आगे चलेंगे और संगठन को साथ नहीं लेके चलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। सरकार और संगठन रेलगाड़ी की पटरी है जो कभी मिलती नहीं है लेकिन साथ चलती है, अगर साथ नहीं चलेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। ये बात प्रधानमंत्री मीटिंगों में कहते हैं। कांग्रेस चूंकि अभी निधि भी कह रही थी कि कुछ जगहों पर स्थानीय चुनाव रखना चाह रही है, स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखना चाह रही है, क्योंकि मोदी वर्सेस हु का नैरेटिव थोड़ा कांग्रेस के लिए मुश्किल है, और जहां अगर स्थानीय स्तर पर चुनाव हुए वहां उन चेहरों को मुश्किल होगी, जैसे कि फग्गन सिंह कुलस्ते का एक पुराना उदाहरण उन्होंने दिया जो सिर्फ नरेंद्र मोदी मैजिक के नाम पर जीत रहे हैं। कमलेश जी, एक आखिरी टिप्पणी आपके चाहिए मुझे, वो ये कि हम जब चुनाव होते हैं, चुनाव मुद्दे, उससे जुड़े पत्रकारों के बहुत सारे रस है ना, तो अब एक दो चरण का चुनाव समझिए हो गया है, क्या आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे क्या हो, अभी तक जो हुआ उसमें कितना आनंद आया बतौर पत्रकार ऑब्जर्वर यहां से देखते हुए? बतौर पत्रकार मतलब उसके पहले मैं ये कह दूं कि वो जो प्रधानमंत्री के का जो हार्डलाइन है उसका एक कारण ये भी है जो हिमांशु कह रहे थे कि जो कार्डर है ना उनको ये लग रहा है कि यार हम प्योर रहे कि नहीं रहे, इतने सारे लोग आ गए हैं तो हम क्या वही आइडियोलॉजिकल प्योरिटी है हमारी या हम बदल जाएंगे। तो प्रधानमंत्री एक बार ऐसे मुद्दों को बाहर लाकर उनको ये बताते हैं कि नहीं हम वही हैं, जो नए आए हैं उनको बदलना पड़ेगा, तो कंसोलिडेशन का एक तरीका है और शायद उसका प्रभाव दिख रहा है इस बार कि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो घर घर जाकर वोटरों को बाहर कर रहे हैं और
जब तक शाम, आज शाम तक आप देखेंगे कि मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहा है। अब रह गई बात चुनाव के आनंद की, तो देखो मुझे तो आनंद यही आता कि सातों चरणों में, मैंने जैसा पहले कहा था, हम ये देखेंगे कि मुद्दे बदलते जाएंगे और फिर सब एक दूसरे को कीप अप करना पड़ेगा। 400 पार वाला जो नारा है उसे बस्ते में रख दिया गया है, अब वो बाहर नहीं निकलेगा, उसका काम हो चुका है। और शायद इससे भी कि बहुत सारे लोगों को ये डर हो गया कि 400 क्यों चाहिए एग्जैक्टली, और कुछ लोगों ने प्रचारित कर दिया कि संविधान को बदलने के लिए 400 चाहिए होता है, और ये बात काफ़ी फैल गई आजकल के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में बहुत आराम से फैल जाती है चीज़ें। तो मैं अभी जो ये देख रहा हूँ कि आनंद आपका ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी तो आपने सैम पित्रोदा देखा है, कांग्रेस ने अभी मणिशंकर अय्यर नहीं निकाला है, वो जब बाहर आएंगे वो कुछ बोल पड़ेंगे, और बीजेपी में एक से एक वीर हैं जो खुलेआम, मतलब ये जो बात है ना कि संविधान बदलेंगे, ये बीजेपी जिसको फाइट कर रही है अभी, ये बीजेपी के लोगों ने ही निकाला था, तो कमी नहीं गालिब। एक ढूंढोगे हजार मिलेंगे और चुटकुले ही चुटकुले मिलेंगे, और हम, लेकिन ये वो जगह नहीं है, वो तीन ताल में हम करते हैं, वो एक पॉडकास्ट है। तो नेता नगरी के पहले सत्र में इतना ही, अगले सत्र में हम लोग बात करेंगे कि दूसरे चरण की दिलचस्प, सबसे दिलचस्प मुकाबले वाली सीटें कौन सी हैं। शुक्रिया सभी मेहमानों का जो पहले सत्र में हमारे साथ थे। और अब बिहार पर बात करेंगे। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नजरें हैं पूर्णिया सीट पर, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है पप्पू यादव के, जो हाल ही में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किए और उसके बाद निर्दलीय पर्चा भर दिए। तो वहाँ पर बीमा भारती आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, संतोष कुशवाहा जेडीयू की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उस स्थानीय स्तर, स्थानीय इलाकों में उनका असर रहा है, मधेपुरा और सुपौल के इलाकों में उनका असर रहा है, वहाँ की जानकारी लेंगे। और साथ ही किशनगंज, कटिहार, बांका और भागलपुर में भी चुनाव वोट आज डाले जा रहे हैं, वहाँ पर भी क्या माहौल है इसके बारे में पूछेंगे। हमारे साथ बिहार से दो हमारे मेहमान जुड़े हैं, संतोष सिंह जी इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं, आप स्वागत सर आपका, और कन्हैया भेलारी आप मैनेजिंग एडिटर हैं न्यूज़ हार्ट के। संतोष जी शुरुआत आपसे करें, तेजस्वी यादव ने, उसकी चर्चा बड़ी दिल्ली तक हो गई कि वोट मांगते हुए उन्होंने परोक्ष रूप से ये कह दिया कि या तो आप हमको जिताइए नहीं तो उनको जिता दीजिए। इसका मतलब ये था कि पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। तो इस ये नौबत क्यों आन पड़ी कि उनको पप्पू यादव से ऐसी, ये इस समस्या के पीछे कि क्या इतिहास और क्या बैकग्राउंड है कि वो ये चाहते हैं कि पप्पू यादव को वोट बिल्कुल भी ना जाए, भले ही एनडीए कैंडिडेट को वोट चला जाए वहाँ से। तेजस्वी यादव ने का जो बयान है पूर्णिया में पप्पू यादव के बारे में, वो ये दिखाता है कि किस क्यों आरजेडी ने सीट डिनाई किया था कांग्रेस को, ताकि कांग्रेस पप्पू यादव को वहाँ से कंटेस्ट नहीं करवा पाए। किसी भी ऑब्वियस यादव लीडर का इमरजेंस आरजेडी नहीं चाहती अपने एक्सपेंस पर, इसीलिए भले मजाक में कहा गया हो कि हमको अगर आप जिताना नहीं चाहते हैं तो आप जदयू को जिता दीजिएगा। और जब मैं पूर्णिया से लौट कर आ रहा हूँ तो मैंने देखा कि अगर किसी एक कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा अगर चर्चा थी, और ये भी लग रहा था कि इलेक्शन हो रहा है बिहार में तो वो पप्पू यादव के कारण हो रहा है, तो वो एक थोड़ा सा उत्साह वहाँ दिख रहा था और किसी कैंडिडेट का उतना नहीं दिख रहा था। तो ये मेन कारण यही है, इतिहास यही है, आप तो जानते हैं ये 3 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अर्ली 90s में ये पॉलिटिक्स में आए, एमपी भी बने, 3 ओवरऑल 5 बार रह चुके हैं, और 98 में अजीत सरकार सीपीएम के नेता थे, एमएलए थे, लगभग 18 साल तक एमएलए रहे, तो उनके मर्डर केस में इनका ये रहा, लेकिन बाद में क्विटल हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रोबेबली प्रेजेंट ऑफ पास्ट है, तो ये रहा। और इन हिस्ट्री, इन दोनों की आरजेडी और पप्पू यादव की जो हिस्ट्री है वो कभी भी नहीं, ये नहीं रहा, ठीक नहीं रहा है, और एक ही टाइम स्पेस में दो यादव नेता का इमरजेंस मुश्किल था, इसीलिए पप्पू यादव ने स्पेस लालू यादव के अगेंस्ट नहीं बना पाए, अब वो तेजस्वी यादव के अगेंस्ट नहीं बना पा रहे। तो दो धारा है, एक एनडीए का है, दूसरा इंडिया का। अगर आप इंडिया में नहीं देंगे तो एनडीए में देंगे, यही दो धारा चलेगा। उनका कहने का मतलब यही था, कहीं भी उन्होंने कहा अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा, मैं जितना समझाऊं या उनसे बात जो मेरी हुई है,
उनके कहने का मतलब यही था, कैसे वो ट्विस्ट करके और क्या करके वो बन गया कि हमको नहीं देना है तो फिर एनडीए को दे दीजिए, कि आप हमें नहीं दीजिएगा तो उन्हें दीजिएगा, यही कीजिएगा आप। हाँ ये बात सही है कि वो नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया का जंग जीते, ये भी बात सही है। स्वाभाविक रूप से क्यों चाहेंगे वो, हमेशा जो है पप्पू यादव तेजस्वी यादव लालू यादव को परेशान करते रहे हैं, 15 में उन्होंने परेशान किया, आदरणीय प्रधानमंत्री के कहने पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ जो गठबंधन था उसको हराने के लिए पूरा ये उन्होंने सुपारी ले रखा था कि हम हरा करके मानेंगे, उन्होंने पार्टी खड़ा किया, जबकि वो 14 में लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से वो जीते थे मधेपुरा में। तो ये बात सही है कि वो चाहते थे कि न एक इंडिया टुडे के पत्रकार हैं पुष्य मित्र, उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव मधेपुरा या सुपौल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर वो वहाँ से लड़ते और जीत भी जाते तो ये बात स्टैब्लिश होती, ये बात कही जाती कि लालू यादव का जो अपना निजी असर है उस इलाके में उसका बड़ा फैक्टर रहा उनको चुनाव जिताने में, और उसकी वजह इसके बाद ये होता कि हमेशा इस तरह से देखा जाता है कि पप्पू यादव लालू यादव की कृपा पर या उनके असर की वजह से चुनाव जीते हैं और आरजेडी के सामने थोड़ा कद उनका दब करके रहता। क्या ये एक फैक्टर है कि जो चैलेंज भी किया गया जब आपने कांग्रेस में आप शामिल हो गए, अपनी पार्टी का विलय कर लिया है, कांग्रेस और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय पर्चा जो भरा गया, क्या वो इसी जो आप जिसका कह रहे हैं कि लालू यादव को परेशान किया पप्पू यादव ने, दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे बात के दौर में, ये चैलेंज वहीं से निकल के आता है क्या ऐतिहासिक तौर पर दोनों नेताओं के रिश्तों के बीच से? देखिए पप्पू यादव पिछला विधानसभा भी लड़े थे 2020 का मधेपुरा से, कितना वोट आया ये बताने की चीज नहीं, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात ये जब इंडिपेंडेंट जीते एमएलए का चुनाव जीते, फिर पूर्णिया से 2 बार इंडिपेंडेंट जीते, उसके बाद जो है वो उस तरह के मजबूत फोर्स नहीं बन पाए, उनको 2-2 बार लालू प्रसाद यादव ने ही जो है लोकसभा में भेजा, 2 बार या 3 बार जितने बार भी बाद में, तो बिना लालू के सपोर्ट के ये अभी जो है ये अब ये क्या मतलब, ये समझदारी की बात है कि लालू प्रसाद और जो इमरजेंस हो गया तेजस्वी यादव का, तो पूरे बिहार भर में तेजस्वी यादव जो है माई कॉम्बिनेशन जो है पागल है इनके पीछे, और बिहार में मैं भी पूरा चुनाव घूम रहा हूँ, बिहार में अभी जो है दो ही नेता ऐसे हैं बिहार की राजनीति या चुनाव जो हो रहा है जिसमें स्पॉन्टेनियस भीड़ हो रहा है, एक है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के और दूसरे तेजस्वी यादव, इन्हीं दोनों के मीटिंग में भीड़ हो रही है, स्पॉन्टेनियस भीड़ हो रही है, बाकी कोई ऐसा नेता है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इन पर 1000-1500 में निपट जा रहे हैं, बाकी और क्या है, क्योंकि तेजस्वी ये पप्पू यादव जी चाहते हैं पूर्णिया से वो किस लिए लड़ना चाहते हैं अब तो वो बताएंगे, अगर आप गठबंधन धर्म को मानते हैं और ये हो गया कि नहीं आपको, ये तो मिले भी थे लालू प्रसाद यादव से, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आपको लोकसभा में जाने की बात है, आप लोकसभा मधेपुरा से जाइए, पूर्णिया पर क्यों लगेंगे। अच्छा तेजस्वी यादव को के पास माई है, उनको बाप चाहिए, बाप का मतलब आप समझ रहे हैं, तो वोट्स फ्रॉम अदर कास्ट, बीमा भारती गंगोता की है, गंगोता जो है सीमांचल में और कोसी के क्षेत्र में बहुत वोट है, एमओआई के बाद हमारे साथ गंगोता जुट गए और भी वो दूसरे दूसरे जातियों को जोड़ने के चक्कर में है, इसलिए बेहतर होगा कि आप चले जाइए, लेकिन वो अड़ गए तो ये भी अपना जो है तेजस्वी यादव की नहीं, ये कैसे जीतेंगे, इनको हराया जाए। तो अभी की स्थिति क्या है जो आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच की लड़ाई का फायदा ऐसा तो नहीं कि संतोष कुशवाहा एनडीए कैंडिडेट को हो जाए, वहां मामला त्रिकोणीय है या कोई अब एक तीसरा पीछे रह गया है और दो लोगों के बीच फाइनल मुकाबला हो रहा है? ज्यादातर संभावना यही है कि जो है इन दोनों की लड़ाई में, क्योंकि ये पप्पू यादव और बीमा भारती वोट बैंक एक ही है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि तीर जो है बाजी मारने जाएगा, संतोष कुशवाहा तीसरी बार हो सकते हैं, हमको जो मैं वहां पूर्णिया में 2 दिन था भी मुझे यही लगा कि जब तेजस्वी शुरू में तो लग रहा था कि पप्पू यादव जीत जाएंगे, लेकिन 2 दिन
कैंप जो कर दिया तेजस्वी यादव ने, काफी अग्रेसिव हो गए। उसके बाद मुझे लगा मुसलमान समुदाय से भी लोग, यादव भी काफी जो है बात करने लगे इनकी, तब हमने मुझे लगा कि वोट स्प्लिट कर रहा है इन लोगों का, उसमें ज्यादा संभावना इसकी है, एकदम 100% नहीं कर सकते कि, लेकिन ज्यादा संभावना यही है इसलिए कि अभी भी नीतीश कुमार का भी वोट है अति पिछड़ा में, अपर कास्ट में भी है, तो इसलिए वो फिर निकल सकता है। ठीक है, अब बिहार में कन्हैया जी 40 सीटें हैं, पिछली बार 2019 के जो रिजल्ट थे वो 39-1 का मुकाबला था। जो एक सीट थी जो कांग्रेस हासिल की थी वो है किशनगंज, वहाँ पे बड़ी आबादी जो है मुस्लिम वोटर्स की है। मुझे थोड़ा उस सीट के हिसाब किताब के बारे में बताएं, क्योंकि ये खबरें हम लगातार सुनते हैं कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसका असर धीरे धीरे उन इलाकों में बढ़ रहा है। ये जीतने की स्थिति में वो नहीं है, लेकिन क्या वो इस स्थिति में है कि कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं उनको थोड़ा सा कमजोर कर सके वहां पर? मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं किशनगंज के अभी कुछ एरिया में गया था, नीतीश कुमार का भी एक मीटिंग मैंने देखा, लोगों से बात किया, ओवैसी साहब भी जहाँ नीतीश गए थे उसी जगह पर 2 घंटा पहले वो भी अपना कार्यक्रम किए थे, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि अकलियत का जो वोट है वो वहां तो 67-68% मुसलमान है किशनगंज में, जो एक सीट कांग्रेस को मिली थी या महागठबंधन को मिली थी हम कहें, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि यहाँ भी JDU के जो हैं मुजाहिद आलम और जो कांग्रेस के हैं मोहम्मद जाहिद, इनके बीच डायरेक्ट फाइट है, हमको ऐसा महसूस। संतोष जी, इस पर आपका क्या आकलन है, कौन सी सीटें हैं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जिनके जो जिस पर जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि टेढ़ी खीर? देखिए 19 वाली स्थिति तो बिल्कुल इस बार नहीं लग रही है, अब प्रेडिक्ट करना भी आसान नहीं होगा क्योंकि अभी 2 ही फेज का इलेक्शन हुआ है, 9 सीट पर ही 40 सीटों में इलेक्शन हुआ है, लेकिन ये पहला इलेक्शन शायद मैं कितने सालों में कवर कर रहा हूँगा जिसमें मैं कोई उत्साह नहीं देख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी इज़ द फैक्टर, स्टिल ही इज नॉट द फैक्टर, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, और किसी की चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है कि नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, पोल परसेंटेज का डिप जारी है, वो डिप हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 39 में से 39 सीट वो रिपीट होता मुझे नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली NDA बढ़त पर है, निश्चित रूप से बढ़त पर है, लेकिन मैंने कुछ बहुत जगह ऐसे बेल्ट देखे जहाँ की RJD को भी मिल रहा है, वोट्स मिल रहे हैं, अपर कास्ट बेल्ट से भी वोट्स मिल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे टाइट सीट्स होंगे जहां के रिजल्ट सरप्राइज हो सकते हैं, वहां अपसेट कर सकता है NDA। तो अभी फाइनल काउंटडाउन क्या होगा, स्टिल एडवांटेज NDA आई वुड से, बट महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक फॉर दैट मैटर वो सीरियस स्टैंड बनाती हुई मुझे इस इलेक्शन में दिख रही है। पहले चरण के बाद से चर्चा और जोर पकड़ रही है कि देश में कौन से वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं। तो बिहार के बारे में कहा जाता है क्योंकि एक तरह का सैचुरेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 के चुनाव में आया, किशनगंज को छोड़कर के बीजेपी सारी सीटें जीती। आपके नजरिए से बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए कांटे का मुकाबला है? बीजेपी के लिए कांटे का मुकाबला जो है अभी जो इसके पहले आज जो चुनाव हो रहा है उसके पहले जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी औरंगाबाद में संकट में है, बीजेपी नवादा में संकट में है, ये 2 जगह ले लीजिए तो यही संकट में बीजेपी। आप बीजेपी की केवल बात कर रहे हैं, आप NDA की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको बीजेपी जो है बक्सर में संकट में है, तो ये मैंने अभी जो दिखाई मुझे पड़ रहा है कि मैंने बहुत संकट में है, तो ये आपको बता सकते। चलिए बहुत शुक्रिया संतोष सिंह और कन्हैया भेलारी बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं जब हम नेता नगरी का ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। ज्यादा चर्चा राजनांदगांव सीट की हो रही है क्योंकि ट्रेडिशनली ये सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है, बीजेपी का अच्छा वहाँ पर होल्ड है, लेकिन इस बार वहाँ से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हाल ही में जिनकी कुर्सी गई है पिछले विधानसभा चुनाव में, भूपेश बघेल, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है और उनके खिलाफ जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं संतोष पांडे वो चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ
रायपुर से जुड़ रहे हैं सुनील कुमार जी, छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक हैं। सुनील जी से आखिरी बार विधानसभा चुनाव के समय हमारी बात हुई थी नेता नगरी में। सुनील जी बहुत स्वागत, क्या रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं? पहले तो राजनांदगांव सीट का ही बताइए। देखिए, राजनांदगांव में कांग्रेस ने अपने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता को फील्ड किया है, उतारा है, और उनका खुद का घर दुर्ग संसदीय सीट में है, जहां से वो विधायक भी हैं उसी संसदीय सीट से। उसको छोड़ के वो राजनांदगांव गए हैं जो पड़ोस की पार्लियामेंट्री सीट है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि अपने घर से नहीं जीत सकते थे भूपेश बघेल, इसलिए दूसरी जगह गए हैं। मेरा मानना है, समझदारी इसमें रहती है कि जहां जीत की संभावना रहे वहां अच्छे नेता को फील्ड करना चाहिए। तो भूपेश बघेल वहां अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक दिन में 40-40 गांव का वो दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। गांव में लोगों की उत्सुकता उनके प्रति ज्यादा है, दो वजह से। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कर्ज माफी की थी, धान का दाम उन्होंने अंधाधुंध बढ़ाया था, गांव की कुछ एक और योजनाएं भी उन्होंने शुरू की थी। लेकिन दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो एक महालक्ष्मी योजना लागू की है, जिसमें सबसे गरीब परिवार की एक एक महिला को 1,00,000 रुपए साल देने की बात कही है कांग्रेस ने। अभी ये साफ नहीं है कि वो कितनी महिलाएं, कितने फीसदी महिलाओं को मिलेगी, लेकिन उसको लेके उत्साह महिलाओं में बहुत है, छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में। और ऐसा माना जा रहा है कि राजनांदगांव के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की इस योजना का बड़ा असर देखने मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक महतारी बंधन योजना घोषित की थी, जिसमें 1,000 रुपए महीने 12 महीने देने की बात हुई थी। हर महीने 1,000 रुपए हर शादीशुदा महिला को दिए जाएंगे, वो शुरू भी कर दिया है बीजेपी सरकार ने जी। कांग्रेस की ये महिलाओं को 1,00,000 रुपए साल की घोषणा चाहे वो सीमित संख्या की महिलाओं के लिए हो, लेकिन उसका असीमित असर हो रहा है। सबसे बड़ा असर अगर आज पूरे छत्तीसगढ़ में किसी एक मुद्दे का हो रहा है, योजनाओं में कह रहा हूं मैं, मोदी के मैजिक वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये जो महालक्ष्मी योजना है कांग्रेस पार्टी की, ये महिलाओं को बहुत प्रभावित कर रही है, ऐसी हर जगह से रिपोर्ट्स हैं जी। महतारी वंदन योजना का आपने जिक्र किया और उसके बारे में एक खास बात ये थी कि चुनाव नतीजों से पहले ही फॉर्म भरवाए जाने लगे थे, जिससे ये कन्विक्शन आया था कि ये मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा लगा कि जो चुनाव कांग्रेस जो अच्छा चुनाव लड़ रही है, बहुत सारे दिल्ली से लोग इस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे थे कि शायद भूपेश बघेल वापसी करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, बीजेपी ठीक ठाक कंफर्टेबल मेजोरिटी से वापस आई। दूसरा एक रीजन था ट्राइबल वोट्स। राजनांदगांव सीट, चूंकि मैं वहां गया था विधानसभा चुनाव के समय, वो सीट में कुछ हिस्सा ट्राइबल एरिया का भी आता है जो नक्सल प्रभावित भी रहा। थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जो ट्राइबल दक्षिण का जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिला, क्या लोकसभा चुनाव में ट्राइबल वोट्स के बारे में हम मुतमईन होकर श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो इस बार भी बीजेपी के साथ है, या बटा हुआ है, या कांग्रेस को उसी में उम्मीद दिख रही है? मुझको एक चीज लगती है कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाके जो हैं उनका एक कैरेक्टर नहीं है, वहां एक जैसी स्थितियां नहीं है। बस्तर की स्थितियां अलग है, सरगुजा की स्थितियां अलग है, और राजनांदगांव संसदीय सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इन दोनों आदिवासी इलाकों से बाहर की सीट है। जी, बिल्कुल। यहाँ का कुछ हिस्सा जो है आदिवासी हिस्सा है, जिसमें पिछली बार कांग्रेस का विधायक बना था। भाजपा को सरगुजा और बस्तर में तो बहुत वोट मिले थे, लेकिन इस इलाके में, राजनांदगांव के इस इलाके में, वहां कांग्रेस की जीत हुई थी आदिवासी इलाके में। वहां अभी पोलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, उत्साह से आदिवासी लोग वोट डाल रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि विधानसभा में कांग्रेस का साथ दिया था, इस बार कांग्रेस का साथ क्यों नहीं देंगे? क्या मोदी का मैजिक आदिवासी इलाकों में भी उतना रहेगा? राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? मुझको भी समझ नहीं आ रहा है आदिवासी इलाकों का अलग से। लेकिन ये जरूर है कि भूपेश बघेल और उनके समर्थक आदिवासी और ग्रामीण इलाकों को लेके उम्मीद से हैं। उनको शहरी इलाकों में कुछ खतरा अपने लिए दिखता है, जहां मोदी का जादू शायद अधिक हो, जहां भाजपा का असर ज्यादा अधिक हो, लेकिन गांव और आदिवासी इलाकों में
भूपेश बघेल को उम्मीदें हैं जी। और प्रधानमंत्री की रैलियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी बहुत गर्व के साथ इस बात को कहती है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो कहीं फिजा मुश्किल भी हो बीजेपी के लिए तो फिजा बदल जाती है। प्रधानमंत्री ने अभी तक छत्तीसगढ़ में जो रैलियां की हैं, क्या राजनांदगांव के आसपास एक भी रैली नहीं हुई? दक्षिण की ओर बस्तर में रैली हुई, एक पूर्व की ओर हुई रायगढ़ की तरफ, राजनांदगांव में रैली नहीं की प्रधानमंत्री ने? राजनांदगांव में रैली नहीं की। और एक हंसी मजाक के लहजे में एक बात चल रही है राजनांदगांव में, मैं उसको बहुत गंभीर राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, लेकिन किस्सा यह चल रहा है कि भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव जिस तरह से तश्तरी में रख कर प्रधानमंत्री को पेश किया, बीजेपी को पूरी सरकार बनाने दी, उसके एवज में प्रधानमंत्री ने शुक्राना दिया है भूपेश बघेल को कि वो चुनाव प्रचार के लिए राजनांदगांव नहीं आए। ऐसा एक किस्सा चल रहा है वहां पे हंसी मजाक में। और कांग्रेस के भूपेश बघेल कैबिनेट में कुछ वरिष्ठ मंत्री रहे लोगों ने मुझको ये बात कही है कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं गए भूपेश के उस चुनाव क्षेत्र में क्योंकि भूपेश ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को हराकर बीजेपी की सरकार बनाने दी। मैं इसको बहुत गंभीर विश्लेषण के तौर पर नहीं कह रहा हूं, जो किस्सा हवा में है कांग्रेस के बड़े लोगों के बीच में, मैं उसका जिक्र भर यहां पर कर रहा हूं। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री के जाने से फिजा बदल सकती थी, और दूसरी बात यह है कि भूपेश बघेल की यह कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये धार्मिक ध्रुवीकरण का एक किस्म से केंद्र भी था ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन वहां प्रधानमंत्री का न जाना थोड़ा हैरान भी करता है। वहां प्रधानमंत्री जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम की बातें कह रहे हैं, जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण उनके भाषणों से हो रहा है, उसका बड़ा असर हो सकता था राजनांदगांव संसदीय सीट में, जहां पर डॉक्टर रमन सिंह जो वहां के अच्छे वोटों से जीते हुए विधायक भी हैं और सबसे बड़े नेता भी हैं बीजेपी के वहां पे, वो अपने एक ऑपरेशन वगैरह की वजह से भी वहां नहीं गए प्रचार में, और विधानसभा अध्यक्ष हैं शायद इसलिए भी नहीं गए। तो एक कमी एक बड़े नेता की राजनांदगांव में थी, लेकिन फिर भी मोदी का न जाना थोड़ा हैरान करता है और कई किस्सों को पैदा करता है जी। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे कि भूपेश बघेल की राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर बात करें, वो चुनाव हार गए, वो तेजी से उनका राइज हुआ, दिल्ली में भी पसंद किए जाते रहे जब तक वो छत्तीसगढ़ की सत्ता में थे, जब वो चुनाव हारे तो वो मतलब वो स्वयं तो चुनाव जीते लेकिन उनकी पार्टी चुनाव हारी और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छिनी, उसी समय टीएस सिंहदेव जो स्थानीय स्तर पर प्रदेश स्तर पर उनके दूसरे स्पर्धी नेता के तौर पर देखे जाते थे, उनके प्रभाव की सभी सीटें कांग्रेस हार गई, टीएस सिंहदेव अपनी भी सीटें हार गई। कांग्रेस विद इन कांग्रेस अभी भूपेश बघेल की राजनीतिक स्थिति कैसी है? क्या हम सेफली कह सकते हैं कि वो कमज़ोर हुई है, या इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि अभी भी वो सर्वमान्य तौर पर कांग्रेस पी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नज़र में भी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता वही? देखिए, भूपेश बघेल 5 साल तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ATM रहे, और किसी को भी ATM अच्छा लगता है तो भूपेश बघेल पसंदीदा रहे कांग्रेस हाईकमान के। अब वो ATM नहीं है यहाँ पे, अब वो लगातार कई किस्म की कानूनी दिक्कतों से, कई किस्म की जांच से घिरे हुए, अदालत से 2 कदम भर अभी दूर हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है, उनका नाम भी कई FIR वगैरह में इसमें आ चुका है। कांग्रेस हाईकमान के पास भूपेश बघेल को न चाहते हुए भी पसंद करने की आज कोई वजह नहीं है। आज भूपेश के हाथ में यहाँ ATM नहीं है छत्तीसगढ़ का, लेकिन मेरा ये मानना है कि भूपेश बघेल की राजनीति आने वाले वर्षों में इस चुनाव के तुरंत बाद इस पर निर्भर करेगी कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहती है। अगर देश में कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करेगी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हार जाएंगे तो भूपेश बघेल कमजोर हो जाएंगे, लेकिन भूपेश बघेल अगर सांसद बन जाते हैं और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी देश में कमजोर होती है तो भूपेश बघेल बड़े ताकतवर और बड़े नेता बन के उभरेंगे। तो भूपेश बघेल का भविष्य जो है राजनांदगांव के वोटर जितना तय कर रहे हैं, उतना ही बाकी हिंदुस्तान के वोटर भी तय कर रहे हैं जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है। इंडिया कोलिशन या कांग्रेस पार्टी, ये अगर मजबूत होकर उभरेंगे दिल्ली में
तो भूपेश बघेल की ताकत सीमित रहेगी, वो छोटे नेता हो जाएंगे विद इन कांग्रेस। लेकिन अगर कांग्रेस देश में कमजोर होती है और भूपेश बघेल सांसद बन जाते हैं तो वो आज के मुकाबले और बड़े नेता हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर और है जिसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कितने सांसद बनते हैं। अगर भूपेश बघेल के साथ दो लोग और सांसद बन गए छत्तीसगढ़ से, तो भूपेश बघेल का वजन दिल्ली में उतना नहीं रहेगा, पार्टी के भीतर उतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो छत्तीसगढ़ से अकेले कांग्रेस सांसद बनते हैं और दिल्ली में कांग्रेस कमजोर होती है, तो भूपेश बघेल ज्यादा बड़े नेता रहेंगे। इसको थोड़ा जटिल तरीके से समझने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भूपेश बघेल के चुनाव पर, राजनांदगांव के चुनाव पर नजर रहेगी। शुक्रिया सुनील जी, हमारे साथ जुड़े थे रायपुर छत्तीसगढ़ से। राजस्थान का रुख करते हैं। दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और राजस्थान का पूरा चुनाव दूसरे चरण में खत्म हो रहा है। पहले चरण में बाकी सीटों पर मतदान हो चुके हैं। आनंद चौधरी हमारे साथ हैं, संवाददाता हैं, इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के, जयपुर में हैं। आनंद जी, पहली चीज तो जालौर सीट के हाल बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत का चुनाव वहां कैसा जा रहा है? इसके पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं पर जीते नहीं थे। मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके सामने एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी चुनाव मैदान में हैं। इस सीट को कुछ समय पहले तक वैभव गहलोत के लिए शायद सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन आज पूरे दिन हम जालौर लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर गए थे, भीनमाल, रेवदर और कुछ अन्य इलाकों में हम गए। वहां हमने जो माहौल देखा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सीट पूरी तरह से वैभव गहलोत के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वैभव गहलोत को लुम्बाराम चौधरी से बड़ी टक्कर मिलेगी और हो सकता है जो चुनाव परिणाम आए उसमें नतीजे बहुत कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये सीट अशोक गहलोत के पुत्र के लिए इतनी आसान नहीं है। और पिछली बार का जो चुनाव की अपन बात करें, तो पिछली बार वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो इस बार फिर से जोधपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने 274,000 वोटों से वो हार गए थे। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली और जालौर पहुंचे और जालौर को उन्होंने जितना सुरक्षित माना, मेरी नज़र में उनके लिए ये सीट उतनी सुरक्षित नहीं है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो। हो सकता है कि वैभव गहलोत की जो ये सीट है उनके राजनीतिक भविष्य का भी ये फैसला करेगी। अच्छा, एक फैक्टर आरएलपी का भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। कांग्रेस से एक अलायंस तो है उनका, पर क्या ऐसा है कि पूरे मन का अलायंस नहीं है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल के लिए प्रचार करने कांग्रेस के नेता तो आए, पर हनुमान बेनीवाल जहां जहां उनसे अपेक्षित है हर जगह पहुंच नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाड़मेर वाली जो सीट है, वहां वो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उम्मेदाराम बेनीवाल, उनके प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। इसको किस तरह से देखा जा रहा है? फिर वहां हमने देखा कि दो धड़े बन गए हैं आरएलपी के गुटों में, और कुछ लोग कैलाश चौधरी के पक्ष में वहां बैठे हुए हैं और कुछ लोग उम्मेदाराम बेनीवाल के पक्ष में बैठे। राजस्थान में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने बाड़मेर लोकसभा सीट पर भाजपा के कैलाश चौधरी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया चुनाव से एक दिन पहले। आप ये देखिए कि इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए गए। कांग्रेस की तरफ से आवाज उठी कि क्या हनुमान बेनीवाल उनको रोक सकते थे, हनुमान बेनीवाल ने उनको रोका क्यों नहीं। हनुमान बेनीवाल का भी बयान बहुत बाद में आया कि मैं क्या कर सकता हूं, वो पार्टी के अलग पदाधिकारी थे, वो चले गए तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। लेकिन इसमें जो देखा जा रहा है, इसको दूरगामी उसमें देखा जा रहा है कि हो सकता है हनुमान बेनीवाल को ये अंदेशा हो या उनको ये आभास हो गया हो कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो दोनों हाथों में अपने लड्डू रख सके। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है और हनुमान बेनीवाल नागौर से जीतकर लोकसभा क्षेत्र में वहां संसद में पहुंचते हैं, तो हनुमान बेनीवाल वहां, अगर बीजेपी को कुछ सीटों की कमी रहती है तो हनुमान बेनीवाल वहां अपना दांव खेल सकते हैं और वहां वो अपना जो समर्थन है वो बीजेपी को भी दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने दोनों दरवाजे खुले रखे हैं, दोनों हाथों में लड्डू रखा है। हनुमान बेनीवाल ने इस लोकसभा चुनाव है इसको बहुत ज्यादा गर्मा दिया है। इसी चरण में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं का भी फैसला आनंद होना है। कोटा से ओम बिरला, जो लोकसभा स्पीकर भी हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से। इन दोनों के चुनाव, क्या ये कह सकते हैं कि वहां पर भी मुकाबला है? वहां की परिस्थितियां कैसी? जोधपुर लोकसभा सीट और कोटा लोकसभा सीट को चुनाव से पहले बहुत ही भाजपा के लिए बहुत सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम, जैसे ही चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित हुए,
और वहां पे एक चुनाव का दंगल जो मचा। आप कोटा की बात करें तो कोटा में ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं उनके लिए ये सीट बहुत सुरक्षित मानी जा रही थी, लेकिन जैसे ही प्रहलाद गुंजल जो भाजपा के पूर्व में विधायक रह चुके हैं वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए तो वो मुकाबला कांटे का हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से प्रहलाद गुंजल के लिए लोगों का समर्थन उमड़ा है और जिस तरह से प्रहलाद गुंजल को ग्रामीण क्षेत्रों से जो समर्थन मिल रहा है उससे लग रहा है कि इस बार कोटा में ओम बिरला को बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है और वहां के जो नतीजे हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। अपन बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर संसदीय क्षेत्र में, तो कुछ समय पहले जब करण सिंह उचियाड़ा को वहां उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने तब ये लगा कि बहुत नया नाम है, शायद वहां गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान पर चढ़ा, आप ये देखिए कि इस चुनाव में जो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व था वो पूरी तरह से गायब रहा है। राहुल गांधी के यहाँ सिर्फ एक दौरा हुआ है जिसमें उन्होंने दो सभाएं ली, इसी तरह से प्रियंका गांधी की 3 सभाएं हुई, सोनिया गांधी सिर्फ एक जन घोषणा पत्र जो न्याय घोषणा पत्र है उनका वो जारी करने से जयपुर आई, इसके अलावा कुछ सभाएं खड़गे की हुई, लेकिन ये आप देखिए कि ये पूरा चुनाव अशोक गहलोत अपने बेटे के लोकसभा क्षेत्र में उलझे रहे, ये पूरा का पूरा चुनाव प्रत्याशियों ने खुद लड़ा है या कांग्रेस का बहुत ही जो जो छोटा नेतृत्व था या आप मानिए कि प्रदेशाध्यक्ष हैं और सचिन पायलट हैं उनके कंधों पे ये पूरा एक चुनाव अभियान था। अब आप देखिए कि इस चुनाव अभियान में गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने जो जिनको करण सिंह को हम बहुत कमजोर उम्मीदवार मान रहे थे उन्होंने भी उनको कड़ी टक्कर दी है और गजेंद्र सिंह एक बढ़िया मुकाबले में फंस गए। चलिए बहुत शुक्रिया आनंद चौधरी, हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए थे। शुक्रिया सभी मेहमानों का। तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, राजस्थान और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। भारत की औसत जीवन प्रत्याशा के हिसाब से हर किसी को 9 या 10 बार ही लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने का अवसर मिलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जीवन में वसंत आप हर साल देखते हैं, वसंत से ज़्यादा बेशकीमती मौका है चुनाव का, लोकसभा चुनाव का। वोट डालिए, राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक प्रक्रिया और चर्चा में हिस्सा लीजिए और अपनी भाषा तो विनम्र रखिए ही, नेताओं से तो आस कम है। कुलदीप के साथ रहे आप, नमस्कार।